हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो पूड़ी से बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। तो ये मैं 4 आलू उबाल करके ले ली हूँ, अब इसे हम तोड़ लेंगे। तो इससे बड़े टुकड़े में नहीं रखना है, ऐसे टुकड़ों में रखना है। अब एक कढ़ाई रखती हूँ गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब यहाँ जाएगा 1/2 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च। तो फ्रेंड, इन्हें थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छे से। तो ये भून चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे मैं ये 2 बड़ा साइज़ टमाटर बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंड यहाँ पे टमाटर को पीस कर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। और काट कर टमाटर डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ कट करके टमाटर को यूज़ की हूँ। अब इसे ढक देंगे। तो फ्रेंड, ये 2 मिनट बाद मैं देखिए टमाटर हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, ये 1/2 चम्मच मैं चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। अब बस मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ढक करके हम 2 मिनट और पकाएंगे मसालों को। तो ये देखो फ्रेंड, 2 मिनट बाद हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी रिलीज हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इन्हें मसालों में अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड। तो देखिए, मैं फिर यहाँ पे ज़्यादा मसाला यूज नहीं की हूँ, बहुत कम मसाले में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। तो यहाँ हम पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके और ढक करके इन्हें 5 मिनट तक हम पका लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी सब्ज़ी का। इन्हें मिला के और ढक देंगे और 4 से 5 मिनट इन्हें पकाएंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा सब्ज़ी बनकर रेडी है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड, कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारी सब्ज़ी का। ये सब्ज़ी आप पूरी, चावल, रोटी, चपाती, पराठे किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।